वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्लासेंटा के बारे में। प्लासेंटा क्या होता है, क्यों निर्माण होता है, प्लासेंटा की कौन कौन सी पोजीशंस होती है, उसकी ग्रेडिंग क्या होती है और क्या प्लासेंटा पोजीशन से बेबी जेंडर पता चलता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लासेंटा, जिसे अपरा या वार भी कहा जाता है, यह एक ऐसा अंग है, ऑर्गन है, जो प्रेगनेंसी में यूटरस में निर्माण होता है बच्चे के साथ साथ। जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है प्रेगनेंसी के दरम्यान, वैसे वैसे प्लासेंटा का भी विकास होते रहता है। डिलीवरी के बाद बच्चे के साथ साथ प्लासेंटा को भी बाहर निकाला जाता है। प्लासेंटा को बच्चे की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। प्लासेंटा गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ी हुई होती है। प्लासेंटा गर्भाशय की दीवार यानी वॉल से अटैच होती है। प्लासेंटा माँ और बच्चे को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण अंग होता है। माँ के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ब्लड है, वो प्लासेंटा द्वारा ही बच्चे को पहुँचाया जाता है। साथ ही साथ बच्चे के द्वारा निर्माण वेस्ट मटेरियल भी प्लासेंटा के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है और बच्चा वीक बाय वीक जितना बढ़ता है उस हिसाब से उतनी ही वीक बाय वीक प्लासेंटा की थिकनेस बढ़ती है। समझो, अगर बेबी 20 वीक का है तो प्लासेंटा की थिकनेस भी 20 मिलीमीटर हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है प्लासेंटा भी बड़ा और विकसित होता रहता है और इसे प्लासेंटा की मैच्योरिटी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड में इसे ग्रेडिंग से मापा जाता है। ग्रेडिंग 0, 1, 2, 3, 4। प्लासेंटा मैच्योरिटी और ग्रेड क्या है, इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी या फिर एंड स्क्रीन में आपको अल्ट्रासाउंड रीडिंग में वो मिल जाएंगी। अब हम देखेंगे प्लासेंटा की पोजीशन। सो फ्रेंड्स, क्या होता है, एक फर्टिलाइजेशन के बाद जो भ्रूण तैयार होता है वो फॉलोपियन ट्यूब थ्रू यूटरस में आता है और यूटरस की दीवार पर एक जगह आकर वह चिपक जाता है और वहीं पे वह धीरे धीरे पूरे प्रेगनेंसी के दरम्यान बढ़ता रहता है और यह भ्रूण यूटरस में कहीं भी चिपक सकता है, यानी अपर साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लो पार्ट में भी उसके हिसाब से प्लासेंटा की पोजिशन डिसाइड होती है। अगर प्लासेंटा यूटरस की ऊपरी यानी अपर साइड में हो तो उसे फंडल पोजीशन कहते हैं। प्लासेंटा की पोजीशन माँ की नाभि की तरफ यानी यूटरस के सामने की तरफ हो तो एंटीरियर पोजीशन कहते हैं और अगर प्लासेंटा की पोजीशन माँ की रीढ़ की हड्डी की तरफ हो तो उस पोजीशन को प्लासेंटा की पोस्टीरियर पोजीशन कहा जाता है, जो कि प्लासेंटा की वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन कहा जाता है। और अगर प्लासेंटा की पोजीशन यूटरस के नीचे की तरफ यानी सर्विक्स की तरफ हो तो उसे लो लाइंग प्लासेंटा कहा जाता है, जो कि डिलीवरी में थोड़ी कठिनाइयाँ पैदा कर सकती है, खास करके जब प्लासेंटा यूटरस के सर्विक्स पार्ट को पूरी तरह से ढक दे, मतलब यूटरस की ओपनिंग प्लासेंटा से कवर हो जाती है। ऐसे में डिलीवरी के टाइम अत्यधिक ब्लीडिंग होकर बच्चे को खतरा हो सकता है। इस अवस्था को प्लासेंटा प्रीविया भी कहते हैं। प्लासेंटा प्रीविया में डॉक्टर ज़्यादातर सी सेक्शन डिलीवरी ही करवाते हैं। अब जानते हैं प्लासेंटा पोजीशन से क्या ये पता लगाया जाता है कि गर्भ में पलने वाला शिशु लड़का है या लड़की। ऐसा कहा जाता है प्लासेंटा पोस्टियर हो तो लड़का और एंटीरियर हो तो लड़की होती है, पर दोस्तों सच्चाई तो ये है, जैसे जैसे वीक बाय वीक प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे यूटरस भी एक्सपांड होता है और यूटरस एक्सपांड होने से प्लासेंटा की पोजिशन भी एक जगह चिपक के होने के बावजूद यूटरस एक्सपांड होने के कारण उसकी जो पोजीशन है वो खिसकने के कारण बदलती रहती है। यानी अगर 20 वीक में प्लासेंटा एंटीरियर हो तो 36 वीक आते आते वो अपर या पोस्टियर पोजीशन भी हो सकती है, या प्रेगनेंसी के फर्स्ट या सेकंड ट्रिमेस्टर में लो लाइंग प्लासेंटा की पोजीशन बदलकर एंटीरियर या फिर पोस्टियर भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, प्लासेंटा पोजीशन से पोजीशन को जेंडर पता करने का ये तो एक मिथ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ना ही इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण है
कि प्लासेंटा पोजीशन से गर्ल या बॉय पता चलता है, तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। तो मेरे चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, अल्ट्रासाउंड पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए, आप वो देख सकते हो। एंड फाइनली फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।